أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hope you are fine and safe at home today I will solve the maths assessment sheet paper solving which you have done in your paper you will see here the correct answer of your options choose the correct option number 1 is the number which is divisible by 10 the number which is divisible by 10 4960 501 7 7 29 35 they are saying the number which is divisible by 10 वो number जो 10 का divisible है तो आप लोगों ने अपने divisibility rule में पढ़ा हुआ है कि वो number जिसके last पे 0 आता हो ऐसी value या ऐसा number जिसके last पे 0 आता हो वो किसका divisible होता है वो 10 का divisible होता है तो यहाँ पे हमारे पास इस value के last पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो ये हमारे पास 10 का divisible है बाकी values के last पे 1 आ रहा है इसके last पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो इसलिए 10 का divisible complete divisible नहीं होगा अगर हम लोग इन दो values को 10 पे divide करेंगे हमारा answer points में आएगा या हमारे पास remainder आ जाएगा next है हमारे पास the HCF of 35, 42, 72 by division method HCF of 35, 35, 42 और 77 का division HCF क्या होगा by division method 6, 7, 8 तो इसको अगर हम लोग solve करेंगे पहले मैं अपनी सबसे दो greater values लूँगी वो है 77 और 42 को multiply करेंगे तो answer हमारे पास आ जाएगा 84 इससे greater हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 42 ones are 42 70 में से इसको माइनस किया 77 में से 42 को माइनस किया 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 और अगर इसमें से हम लोग 7 में से इसको करेंगे तो 35 तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट अब 42 आ गया 42 क्योंकि 35 के नियरेस्ट जा रहे इसलिए 1s are 35 इसमें से इसको माइनस किया आंसर 7 आ गया ये 35 बच गया 35 को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हमारा बचता जाएगा ग्रेटर वैल्यू हम लोग की अंदर आती जाएगी और स्मॉलर वैल्यू हमारी बाहर आती जाएगी डिवाइजर डिवाइडेड बनता जाएगा और डिवाइडेड और रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या बनता जाएगा उसका डिवाइजर बनता जाएगा अब हम लोग इसको 7 5s are 35 तो यहाँ पे हमारे पास एंड पे 35 बच गई कंप्लीट इस पे डिवाइड हो गया अब हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी ये 35 अब हम लोग 35 को क्या करेंगे हम लोग दोबारा से जो है ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 5s are 35 इसको हम लोगों ने किया आंसर क्या आ गया एंड पे हमारे पास 7 आ गया मतलब ये कि अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 7 इसका क्या आता है एलसीएम आता है The HCF of 35, 42, 77 by the division method is 7. Next is my pass. The highest common factors mean. Highest common factors means kya hai? HFC, HCF, CHF, CFH. तो हम लोग सबसे पहले इसके first first letter को देखेंगे कि क्या बन रहे हैं. HCF. तो हमारे पास इसका correct answer आएगा HCF. Next है हमारे पास the sum of the digits of number the sum of the digits of number is multiple of 3 divisible by अगर किसी भी number का sum हम लोग करते हैं तो अगर वो 3 का multiple बन रहा है तो then वो किसका divisible होगा 3 or 5 3 4 या 3 तो हमारे पास किसका divisible होगा हमें पता है हम लोगों ने अपने rules में पढ़ा है कि the sum of the digits of number is the multiple of 3 अगर वो 3 का multiple होगा तो it will be definitely divisible by 3 तो वो 3 का भी डिविजिबल होगा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द एलसीएम ऑफ द नंबर द एलसीएम ऑफ नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर सम ऑफ नंबर्स वन ऑफ द नंबर्स तो हमारे पास एलसीएम ऑफ नंबर्स क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगा एलसीएम ऑफ नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ओके नेक्स्ट है 6th one इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0 डिविजिबल बाय 8 9 9 तो हम लोगों ने अपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि अगर लास्ट वाला हमारा डिजिट जो है वो 0 हो लास्ट 3 डिजिट्स अगर हमारे पास 0 होंगे लाइक सपोज कि अगर मैं यहां पे लिख रही हूं 87000 ये चीज 87000 तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 0 है तो डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल बाय 8 तो ये हमारे पास 8 का डिविजिबल होंगे द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 801 2614 अगर हम लोग इन नंबर्स को सम अप करें इन नंबर्स को ऐड करें तो ये हमारे पास नंबर बन रहा है इसको ऐड करने से 9 बन रहा है इसको ऐड करने से 8 इसको ऐड करने से हमारे पास नंबर बन रहा है 5
तो अगर हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर जो है वो हमारे पास जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 9 जो है वो हमारे पास 3 का मल्टीपल बन रहा है। मतलब ये कि वो 9 के टेबल में आ रहा है। 8 भी 9 के टेबल में नहीं आता टेबल पढ़ने से, 5 भी जो है वो 3 का टेबल पढ़ने से आंसर नहीं आता है। तो हमारे पास ये नंबर जो होगा वो 801 होगा। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 801 26 14। तो 801 जो है वो हमारे पास 3 का डिविजिबल है। 444 इज डिविजिबल बाय 444 इज डिविजिबल बाय ओनली 4 2 and 4 2 3 and 4। ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट टू डिजिट जो है वो 4 का डिविजिबल है। उसके अलावा ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका जो है वो लास्ट पे इवन नंबर दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये नंबर जो है वो प्लस करने से 3 का डिविजिबल मल्टीपल बनता है। तो ये जो है वो प्लस करने से आंसर 12 आ रहा है, तो इट्स मीन 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 444 वो 2 3 and 4 का भी क्या है, डिविजिबल है। तो ये इस पे डिवाइड होगा 2 3 and 4 पे भी, 4 पे भी डिवाइड होगा, ओनली 4 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, 2 and 4 पे भी नहीं होगा, ये 2 3 and 4 पे डिविजिबल होगा। द नंबर 500, नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर 500 इज डिविजिबल बाय 500 नंबर इज डिविजिबल बाय 4 5 बोथ ए एंड बी। तो जो नंबर 500 क्योंकि हम लोगों ने 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर लास्ट टू डिजिट्स जो है वो हमारे, इफ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर जीरोस तो देन इट विल बी डिविजिबल बाय 4। तो इसके लास्ट टू डिजिट्स जो है वो जीरो है, और उसके अलावा हमारे पास अगर जीरो या लास्ट पे अगर हमारे पास कोई सी भी वैल्यू के लास्ट पे जीरो या 5 आ रहा है तो वो किसका डिविजिबल होगा, वो 5 का भी डिविजिबल होगा। इट्स मीन कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 का भी डिविजिबल है, 5 का भी है। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए बी। नेक्स्ट है हमारे पास HCF ऑफ 7 and 11। अगर हम लोग 7 और 11 के फैक्टर्स बनाएं, 7 और 11 के अगर हम लोग फैक्टर्स बनाएं तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, 7 is equal to 7 multiplied by 1, 11 है 11 is equal multiplied by 1। तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। तो इट्स मीन के हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास आ रहा है 1। तो हमारा कॉमन फैक्टर अगर आ रहा है, जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF ऑफ 11 एंड 7 एंड 11 इज 1। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 11। नंबर 1 इज अ डैश ऑफ एवरी नंबर, रिमाइंडर फैक्टर नन। तो नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, एवरी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर्स होता है। कि हर नंबर का अगर हम लोग कोई सा भी नंबर ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो 2 multiplied by 1 is equal to उसका 1 आ जाएगा, 2 का हमारे पास फैक्टर 1 आ जाएगा। 3 ले रहे हैं तो 3 multiplied by 1, 4 ले रहे हैं तो 4 हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। इट्स मीन के 1 जो है वो हर नंबर का क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। द नंबर 918 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 4 and 6, सी नन। 2 and 3 को देखते हैं कि क्या ये 2 and 3 के रूल्स के अकॉर्डिंग ये उस नंबर पे डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 पे तो ये हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट पे इवन नंबर है। 3 पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस नंबर को हम लोग प्लस करके देखते हैं, 9 plus 1 plus 8। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 18। तो 18 आपको पता है 3 का मल्टीपल है, मतलब ये कि 18 जो है वो 3 का टेबल पढ़ने से आता है, 3 6 are 18 आता है। इट्स मीन कि ये नंबर जो है वो 3 का डिविजिबल है। उसके अलावा अगर हम लोग 4 का देखें तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि अगर लास्ट टू वैल्यूज 4 का डिविजिबल होंगी तो देन वो क्या होगा, 4 का डिविजिबल होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये 18 जो है वो 4 का डिविजिबल नहीं है क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता। तो इसीलिए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन होगा 2 and 3। नंबर 13 है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस LCM, HCF, none। तो हम लोग इसके फर्स्ट लेटर्स को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, LCM। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, LCM। नेक्स्ट है हमारे पास द लास्ट टू डिजिट्स नंबर ऑफ नंबर आर जीरो डिविजिबल बाय 4 7 बोथ ए एंड बी। तो हम लोगों ने अपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि अगर हमारे पास लास्ट टू डिजिट्स नंबर जो है वो जीरो होंगे या हमारे पास लास्ट टू डिजिट्स नंबर जो है वो 4 का डिविजिबल होंगे तो देन इट विल बी डिविजिबल बाय 4। तो वो 4 का कंप्लीट डिविजिबल होंगे। लाइक सपोज कि अगर मैं यहाँ पे 800 लिख देती हूँ, 700 लिख देती हूँ, तो इसके लास्ट टू डिजिट्स जो है वो हमारे पास क्या है, 4 जीरोस हैं, तो देन वो क्या होंगे, 4 का डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज 4 7 6।
अगर हम लोग इन नंबर्स के फैक्टर्स बनाए, आप लोगों को पता है कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स हों, प्राइम नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। अगर मैं फोर के फैक्टर्स बनाती हूँ, फोर जो है वो हमारे पास टू के टेबल में भी आता है, फोर जो है वो हमारे पास किस टेबल में भी आता है, फोर हमारे पास फोर के टेबल में भी आता है, फोर हमारे पास वन के टेबल में भी आता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, थ्री फैक्टर्स बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सेवन है, सेवन के अगर हम लोग बनाएंगे तो सेवन अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है। सिक्स देखेंगे, सिक्स जो है वो हमारे पास कौन से टेबल में आ रहा है, सिक्स हमारे पास टू के टेबल में भी आ रहा है, थ्री के टेबल में भी आ रहा है और कौन से टेबल में आ रहा है, वन के टेबल में भी आ रहा है और सिक्स के टेबल में भी आ रहा है। इट्स मीन के सिर्फ सेवन के टू फैक्टर्स बने हैं, बाकियों के जो है वो हमारे पास रिमेनिंग जो है वो हमारे पास मोर देन टू फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेवन होगा। सेवन जो है वो हमारा प्राइम नंबर है आफ्टर फाइव, क्योंकि फाइव के भी टू फैक्टर्स बनते हैं और सेवन के भी टू फैक्टर्स बनते हैं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी पेपर में वो आपको समझ लग गई होंगी। फी अमानिल्लाह एंड जज़ाकिल्लाह।